सो गाइस, आज दूसरा दिन है मेरे सोलो ट्रिप का। तो आज देखते हैं, आज यहाँ पे ट्रैक पे जाने का एक प्लान है, लेकिन अभी तक कुछ श्योर नहीं है क्योंकि बारिश भी हो रही है और मौसम बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। देखते हैं और एक आधा घंटा देखते हैं क्या होता है। सो अभी गाइस थोड़ी बारिश कम हो गई है, सो देखते हैं कि अभी कहीं जाते हैं कि नहीं। सो आई शो यू द व्यू फ्रॉम दिस हॉस्टल। यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू में आता है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा फॉग है। इट्स ऑलमोस्ट 11 नाउ, बट फॉग ऐसा ही है जैसा सुबह था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे उस तरफ और भी डॉर्मेट्रीज है, उस तरफ यहाँ भी है, दिस वन दिस आर द रूम्स, वो रूम्स है ऊपर वाले। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, लाइक गार्डन ग्रीनरी है, और उस तरफ माउंटेंस भी दिखाई देंगे बाद में, आपको दिखाऊंगा शाम को। So guys, this is the view which I was talking about. From here we'll be directly going to common room now. So this is the common room. बहुत ही बढ़िया है। कल रात को यहाँ पे बहुत ही मजा किया हमने, लाइक डीजे डांसिंग, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। सो देर आर मैनी इंडोर गेम्स आर देयर, लाइक कैरम, स्नेक एंड लैडर, और भी बहुत सारी गेम्स है, चेस, बहुत सारी है। और रात में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन होता है। सो यहाँ पे एक डिफरेंट ही वाइब है, लाइक यहाँ पे कल सुबह ही आया था मैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक महीना हो गया इधर स्टे किए हुए। सो वी आर नाउ गोइंग टू सिडनी पॉइंट, और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं अपना बैग उठाकर इस ठंड में स्कूल में जा रहा हूँ, जस्ट लाइक ओल्ड डेज। सो गाइज, अभी हम सिडनी पॉइंट के जस्ट नज़दीक आ चुके हैं। फॉग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमें अभी यहाँ ऊपर जाना है। फॉग बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। सो इट वॉज ऑलमोस्ट 12:30 इन आफ्टरनून, और इस वेदर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सुबह के 7 ही बज रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आज तो ये व्यू देखने के लिए मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ही फॉग था यहाँ पे। लेकिन सडनली यहाँ पे वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया और धूप निकल आई। यहाँ पे बहुत ही फॉग था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अभी हॉस्टल जाऊँगा। एक्चुअली अच्छा डिसीजन किया कि मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठा, क्योंकि अभी मुझे व्यू पॉइंट कैप्चर करने के लिए मौका मिला। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है इसका। Let me show you this view, guys. So guys, अभी हम जाने वाले हैं। ये ट्रैक बहुत ही बढ़िया रहा, छोटा सा था लेकिन बहुत बढ़िया रहा।
गोइंग टू पैनोरमा पॉइंट एंड विल ऑल्सो कैप्चर सनसेट ओवर देयर। अभी मौसम बहुत ही अच्छा है और ये पंछियों की आवाज़, ठंडी हवा और इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि सूरज ढलने तक बस यहीं पर बैठा रहूं और इस नज़ारे को देखता ही रहूं। काय कर सकते हैं? We are going over there. Where going? Now. Yeah. Okay. But we are not going now. We usually go over there because of rain. We are not going. बारिश की वजह से ट्रैक काफी स्लिपरी हो गया था और इसलिए वहाँ पे जाने से मना कर रहे थे, लेकिन हमने बाद में इंसिस्ट किया वहाँ पे जाने के लिए। सो अभी हमने एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट कवर किया है और अभी आगे भी जा रहे हैं। मैंने कैमरा लिया था सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए, लेकिन यही तकलीफ दे रहा है मुझे अभी कैरी करने में। लेट्स सी, वी कैन शूट सम सिनेमैटिक वीडियोस ऑन टॉप। सो एट दैट एंड वी हैव स्टार्टेड। लेट मी शो यू वेयर। I don't know where we have started, but there I guess, there we have started. अगले साल यहाँ पे फिर से आना ही पड़ेगा ड्रोन लेके। सो अगले साल फिर से यहाँ पे एक व्लॉग करेंगे ड्रोन के साथ। महाबलेश्वर में ड्रोन उड़ाएंगे हम लोग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे इस पॉइंट पे, पैनोरमा पॉइंट। यस, दिस इज द पैनोरमा पॉइंट। तो गाइस अभी 6:30 हो गए और हमने हमारा ट्रैक पूरा कंप्लीट कर दिया है और अभी हम हमारे हॉस्टल में फिर से जा रहे हैं। सो वी आर बैक टू हॉस्टल नाउ एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग आई विल शो यू हाउ वी ऑल स्पेंड आवर इवनिंग इन हॉस्टल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Like it's
So stay tuned for the next and final episode of this Mahabaleshwar series. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, just hit that like button and sub to my channel for future videos. Also, don't forget to hit that bell icon so you will get a notification whenever I upload any videos. Also, you can follow me on my Instagram page. I'll be uploading photos, videos whenever I visit any places, so you guys will know which video will be coming next on YouTube. With that, guys, I'll see you next time. Take care. Bye-bye.